लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ का आज चौथा दिन है। आज उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही पिछले 36 घंटों से चला आ रहा निर्जला उपवास वाला यह व्रत संपन्न हो जाएगा और इसके बाद व्रतियां पारण करेंगे। यहां पर जो सामने में आप देख रहे हैं जितनी भी व्रतियां यहां सूर्य नारायण का इंतज़ार कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद में अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और संभवतः सूर्योदय जो है वो हो चुका है और अब अर्घ्य देने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। और सीधे हम जो लोग यहाँ घाट पर पहुँचे हुए हैं छठ घाट पर, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि छठ से जुड़ी हुई किस किस तरह की यादें इनसे जुड़ी हुई हैं और जब यहाँ घाट पर आते हैं तो कैसा अनुभव होता है। आप बताइए भैया कि कैसा लगता है जब आप लोग छठ घाट पर आते हैं? बहुत शांति लग रहा, बहुत हर तरह से सब शांति रहा। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।